अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। गुरु जी, किन विषय को लेकर आज मीडिया से बात करेंगे? विषय बताइए। विजय राठौड़। विजय जी राठौड़, एडवोकेट विजय जी राठौड़। हाँ गुरु जी, किन विषय को लेकर आप मीडिया से ब्रीफ कर रहे हैं, पूरा विषय बताइए, क्या विषय है? हमने एडवोकेट विजय जी राठौड़ जी के मार्गदर्शन में हमारे विचार वकील साहब के सामने हमने रखे, तो उनके मार्गदर्शन में हमने जनहित याचिका दायर करने का फैसला किया है हाईकोर्ट में। वो याचिका ऐसी है कि पत्रिकाओं में, अखबार में किसी भी प्रोडक्ट के रैपर पर देवी देवताओं के, संतों के, महर्षियों के, महापुरुषों के फोटो ना छापे जाएं, क्योंकि प्रोडक्ट इस्तेमाल के बाद में उसके रैपर फेंक दिए जाते हैं, वो नाली में चले जाते हैं। इससे हिंदू देवताओं का, हिंदू श्रद्धा स्थानों का अपमान होता है और हमारा मन दुखता है। हम हिंदुओं इस पद्धति के पूर्ण सख्त विरोधी हैं। जहां थूका थाकी होती है लोगों की, वहां पर देवताओं के टाइल्स लगा दिए जाते हैं बिल्डिंगों में जाते समय, इस चीज के भी हम सख्त विरोधी हैं। यानी कचरा साफ करने के लिए देवताओं के फोटो का उपयोग हो रहा है। ये हिंदुओं की महान मूर्खता है कि देवताओं को कचरा साफ करने के लिए लगा रहे हैं। लोग थूके ना, इसलिए वहां पे देवताओं के फोटो चिपका रहे हैं बिल्डिंगों में, सीढ़ियों में, रैपर्स पर, अगरबत्ती का रैपर्स हो अथवा अन्य कोई कपूर का रैपर हो, वो सरस्वती कपूर पे सरस्वती माई के फोटो छपे हुए रहते हैं, नाली में पड़े हुए मिलते हैं, हम नाली में से निकालते हैं, ऐसे रैपर कचरे से निकालते हैं। तो ये सब चीजें, अगरबत्ती पर का, किसी भी प्रोडक्ट पर देवी देवताओं के फोटो चढ़ाने के हम निषेध करते हैं। और इसीलिए मैं धर्मगुरु होने के नाते सभी हिंदुओं को ये निवेदन करता हूं कि जिस भी प्रोडक्ट पर देवी देवताओं के, महापुरुषों के फोटो छपे हो, उसका बहिष्कार करिए पूर्णतः। वो कितना भी क्वालिटी का सामान हो, पाप न करें हमारे हाथ से, पाप ना हो हमारे हाथ से, हमको नरक में ना जाना पड़े, इसलिए प्रोडक्ट का बहिष्कार करें। अगर हम उसका बहिष्कार न करते हुए उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें निस्संशय पाप का भागी बनना पड़ेगा। भले उसकी भले उस प्रोडक्ट से देव पूजा होती हो तो भी हमें पाप ही लगने वाला है। इसलिए पुण्य के रास्ते पर चलते हुए पाप ना करें हिंदुओं, और इस पाप से मुक्त होने के लिए हम लोगों की सहायता करिए, जो लोग इस प्रकार की जन याचिका दाखिल कर रहे हैं। और हर क्षेत्र से मैं आह्वान करता हूं हिंदुओं को, अपनी अपनी पद की प्रतिष्ठा की, अपने अपने पद का, प्रतिष्ठा का उपयोग करते हुए ऐसी जनहित याचिका दायर करें, दाखिल करें। इससे धर्म रक्षण होगा, हमारे श्रद्धा स्थानों का अपमान खत्म होगा। पेपर में कोई फोटो नहीं छपना चाहिए, नवरात्रि में, गणेशोत्सव में देवताओं का किसी भी प्रोडक्ट पे नहीं छपना चाहिए, शादी की पत्रिकाओं में नहीं छपना चाहिए और किसी भी विजिटिंग कार्ड पे भी नहीं छपना चाहिए। जो फेंका जा सकता है ऐसे जगह पे नहीं छपना चाहिए, और टाइल्स पर नहीं छपना, टाइल्स नहीं लगानी चाहिए जहां पर थूका थाकी होती हो। अगर कोई ऐसा करता है, सीढ़ियों में टाइल्स लगाता है, तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए, इसका कानून बनना चाहिए सख्त। ऐसी मांग करते हुए हम यह जनहित याचिका दाखिल कर रहे हैं। ओम काली। गुरु जी, चूंकि इसके पहले आपको एक अभियान भी चलाना पड़ सकता है इसको लेकर। हमारे जितनी क्षमता है हम उतना करते जाएंगे, अभियान चलाएंगे, जो कुछ भी करना है वो हम करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें की बात है, कोर्ट में ये याचिका दाखिल हो। सभी हिंदू आदि संगठनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस क्षेत्र में आप भी अपने अपने क्षेत्र में काम करिए, जनजागृति करिए। अगर ये होता है तो हमारे हाथ से जो बहुत बड़ा पाप अभी तक के होते आया है वो होना बंद हो जाएगा, और हमारे नरक के लिए दरवाजे जो खुल चुके थे वो बंद हो जाएंगे। ओम काली। ओम काली।